इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज वैलिडेशन की, जो कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करेंगे। यहाँ पे सिर्फ प्योर जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक हेडिंग टैग ले लिया है, इसके अंदर लिख देते हैं इमेज वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसके बाद इस पर थोड़ी सी CSS अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ किया हमने, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस कर दी है, सिर्फ फॉन्ट चेंज किया है हमने। और यहाँ पे CSS लगा रहे हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी कि इसको अलाइन कर रहे हैं सेंटर में। सबसे पहले यहाँ पर हम एक फॉर्म टैग लेंगे। यहाँ पर एक्शन प्रॉपर्टी का हमें कोई भी यूज़ नहीं करना है इस एट्रीब्यूट का, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि एक्शन का काम होता है फॉर्म के डेटा को किसी और नेक्स्ट पेज पे जो है ट्रांसफर करना या सेंड करना। तो इसका हमें कोई भी यूज़ नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमें डेटा को इसी पेज पे रखना है, ठीक। यहाँ पर हम नेम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, फॉर्म को एक नेम दे देते हैं। नेम की हेल्प से क्या होगा कि हम इसके डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नेम हमने दे दिया माई फॉर्म, इस नेम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस फॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे एक लेबल दे रहे हैं, ठीक है, इमेज अपलोड। इसके बाद एक इनपुट टाइप फाइल लेंगे, क्योंकि हमें फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। अब फाइल किसी भी टाइप की हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल। इसमें फिर से हम नेम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इस कंट्रोल को भी एक्सेस करना है वैलिडेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेम हमने दे दिया IMG अपलोड, ठीक। इस नेम कंट्रोल की हेल्प से हम इस जो फाइल इनपुट टाइप फाइल है इसको एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे एक बटन दे दे रहे हैं सबमिट टाइप का। अब रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें आ गई हमारी। अब हम यहाँ पे BR टैग का यूज़ करके थोड़ा सा लाइन चेंज कर देते हैं, जो सभी एक लाइन में आ रही थी ना सारी चीज़ें, तो वो अलग अलग जिससे लाइन में आ जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से अब हमें आउटपुट देखने को मिल रहा। अब हम अपने फॉर्म पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें सिर्फ इमेज पे वैलिडेशन लगाना है, तो सिर्फ एक ही कंट्रोल लिया है हमने। तो यहाँ पर हमने कहा ऑन सबमिट, यानी कि जब इस फॉर्म को सबमिट किया जाए तो एक फंक्शन कॉल हो। यहाँ पर हमने लिखा रिटर्न, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वैलिडेशन। अब वैलिडेशन फंक्शन के साथ हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया है, इसका मतलब ये जो वैलिडेशन फंक्शन है वो ट्रू या फॉल्स कुछ रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो फॉर्म का डेटा सबमिट होगा, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो डेटा सबमिट नहीं होगा। अब हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल में हम अपने जो वो जो इनपुट फील्ड है उसके डेटा को एक्सेस कराएंगे, ठीक है, यानी कि जो इमेज अपलोड करेंगे उसको। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, यानी कि फॉर्म्स को सेलेक्ट करो। किस फॉर्म को सेलेक्ट करो, अब उसका नेम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज देते हैं, पहले नेम देंगे, यानी कि इस माई फॉर्म नाम के फॉर्म को सेलेक्ट करो। अब इसके अंदर की जिस कंट्रोल को आपको सेलेक्ट करना है, एक और ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे, उसका इंडेक्स देंगे, इंडेक्स नेम यानी कि IMG अपलोड, ठीक है। ये डबल डायमेंशनल एरे के फॉर्म में काम करता है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स डबल डायमेंशनल एरे के फॉर्म में काम करता है। यानी कि सबसे पहले हम फॉर्म देते हैं, फॉर्म का नाम, उसके बाद फॉर्म के अंदर, उस फॉर्म के अंदर जिस भी कंट्रोल को आपको सेलेक्ट करना है उसका नाम, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया IMG कंट्रोल, IMG अपलोड, तो उसे ये सेलेक्ट कर लेगा या एक्सेस करेगा। अब यहाँ पर हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे वैलिडेशन वाले, तो फंक्शन कीवर्ड स्पेस जिस फंक्शन को क्रिएट करना है उसका नाम, ठीक। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे अब वैलिडेशन देने के लिए। तो हमने लिखा IMG.value, यानी कि वो जो IMG अपलोड वाले जो कंट्रोल हमने सेलेक्ट किया था उसकी अगर वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक है, यानी कि सिंगल कोट्स में हमने ब्लैंक दिया है, ठीक है, अगर वो ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पे मतलब कमेंट्स के अंदर लिख देते हैं कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, परफॉर्म सम ऑपरेशन। लेकिन अगर ब्लैंक हो तो क्या करें, उसमें अलर्ट डिस्प्ले करेंगे हम, यहाँ पर अलर्ट फंक्शन। अब जो अलर्ट में जैसे यहाँ पे अगर इमेज सेलेक्टेड नहीं है, फॉर्म सबमिट कर रहे हो आप, तो यहाँ पे लिखेगा इमेज नॉट सेलेक्टेड। और अब यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है। रिटर्न फॉल्स क्या करेगा, फॉर्म को सबमिट होने से रोकेगा, ठीक है। जैसे सर्वर पे अगर फॉर्म जा भी रहा होगा तो उसको ये रोक देगा। अब अपने लेआउट को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए एक अलर्ट आ गया, नो इमेजेस सेलेक्टेड, और फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही हम एक इमेज को सेलेक्ट कर रहे हैं या कोई फाइल सेलेक्ट करके सबमिट कर रहे हैं, देखिए ये क्या कर रहा है, डेटा पेज को फिर से रिफ्रेश कर दिया, यानी कि डेटा सबमिट हो गया, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, डेटा सबमिट हो गया। अब हम इसको यहाँ पे कमेंट को हटा देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इमेज सेलेक्ट कर ली है, तो कैसे पता चलेगा कि आपने एक इमेज ही फाइल सेलेक्ट की है, कोई MP3 या MP4 नहीं सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं डॉट पॉज ऑफ डॉट, ठीक है, यानी कि पोजिशन ऑफ डॉट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो डॉट है उसकी पोजीशन को एक्सेस करेंगे। किसी भी फाइल नेम की एक्सटेंशन से पहले डॉट लगा होता है, तो हमें उसको एक्सेस करना है। हमने कहा इमेज डॉट वैल्यू में लास्ट इंडेक्स जो भी है डॉट का सिंगल कोट्स में डॉट का जो भी इंडेक्स है उसकी वैल्यू को रिटर्न करो और स्टोर कर दो किस में, पॉस ऑफ डॉट में।
तो ये क्या करेगा, एक नंबर रिटर्न करेगा। मान लेते हैं जैसे इमेज का नाम img name डॉट jpeg है, ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स क्या करेगा, ये डॉट का लास्ट इंडेक्स, जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स और साइज -1 तक जाता है, ठीक है, तो उस डॉट का इंडेक्स रिटर्न करेगा और इसी के बिहाफ पर हम आगे वाले एक्सटेंशन को चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि डॉट के बाद की जो चीज़ें हैं हमें वो चीज़ चाहिए होगी, तो लास्ट वाला जो भी डॉट होगा हम उसको एक्सेस करेंगे और उसकी हेल्प से उसके आगे वाली चीज़ों को एक्सेस करके, उसकी सबस्ट्रिंग को एक्सेस करके हम उस पर उसको वैलिडेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है वैलिड ext, यहाँ पर हम एक एरे देंगे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पे देना चाहते हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टोर करना है जेपीजी, इसके अंदर हम वैलिड एक्सटेंशन से नाम लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो भी एक्सटेंशन, जो भी फाइल अपलोड होगी, ठीक है, उसको हम इसी वैलिड ext नाम की जो एरे बनाया हमने अभी उसी से मैच कराएंगे। तो हमें अब चाहिए क्या, डॉट के बाद वाली स्ट्रिंग, ठीक है, तो उसके लिए हम सब स्ट्रिंग नाम का एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, उसका यूज करेंगे सब स्ट्रिंग को निकालने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं img ext, ठीक है, यानी कि इमेज एक्सटेंशन, हमारी जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन, ठीक, हमने कहा इमेज डॉट वैल्यू में, ठीक है, डॉट सब स्ट्रिंग निकालो, एक सब स्ट्रिंग हमें चाहिए, उसकी सभी पूरी स्ट्रिंग में से एक छोटी सी स्ट्रिंग चाहिए, कहाँ से चाहिए, यहाँ पे एक वैल्यू देंगे किस पोजीशन से चाहिए, इसमें दो वैल्यूज दी जाती है, स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि आप इमेज को कहाँ से एक्सट्रैक्ट, सॉरी आप स्ट्रिंग को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना चाहते हो और कहाँ पे एंड। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग पोजीशन दे रहे हैं पॉस ऑफ डॉट, यानी कि लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट, ठीक है, इंडेक्स जो लास्ट इंडेक्स होगा हमारी इमेज की फाइल का एक्सटेंशन से पहले का, वो डॉट दे देगा, ठीक है। अब वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा ये, या सब स्ट्रिंग क्रिएट करेगा एंड तक, यहाँ पे हम एंड पोजीशन नहीं दे रहे हैं, तो वो लास्ट तक जो है एक्सट्रैक्ट कर लेगा और स्टोर करा देगा जो हमारा img ext है उसमें। अब ये चीज़ चेक करने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग में क्या करेंगे, img ext को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, कि ये कंसोल में क्या करेगा, प्रिंट कर देगा एक्सटेंशन को। कंसोल में हम बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि इससे पता चल जाए कम से कम कि हमने जो लॉजिक लगाई है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करते हैं, इसके बाद कंसोल में चले जाते हैं, ठीक है, इमेज हमने सेलेक्ट कर ही ली है, इसको जैसे सबमिट किया, देखिए अभी तो फिलहाल कंसोल पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे जो लॉग है वो क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिजर्व लॉग कर लेंगे, इससे क्या होगा कि अगर डेटा सबमिट हो भी जाएगा तो लॉग क्लियर नहीं होगा, ठीक। अब देखिए सबमिट करेंगे जैसे ही इसको, देखिए डॉट png यानी कि डॉट वाली जो पोजिशन है वहाँ से पूरा एक्सट्रैक्ट कर रहा है लास्ट तक, लेकिन हमें डॉट नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब हमें डॉट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस अपने लेआउट पे चलेंगे और यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे इसकी जो भी पोजीशन होगी आएगी उसमें +1 कर दो, ठीक है। इतना करने के बाद अब जब हम फॉर्म को रिफ्रेश करेंगे या डेटा को सबमिट करेंगे, देखिए इसको सबमिट किया, ये देखिए इस बार एक्सटेंशन, सिर्फ एक्सटेंशन आया है, डॉट नहीं आया। अब हम यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग लिखा था उसको हटा देते हैं ये, क्योंकि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए था खाली कि एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट, यानी कि अब हम मैच कराएंगे कि जो एक्सटेंशन हमारी फाइल का है क्या वही एक्सटेंशन वैलिड है या नहीं, यानी कि वैलिड एक्सटेंशन ext.include क्या वैलिड ext इंक्लूड करता है। अब यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग देंगे उससे कंपेयर किया जाएगा एरे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, img ext, यानी कि img ext की वैल्यू को ये कंपेयर करेगा एरे की हर वैल्यू से और चेक करेगा क्या उससे मैच कर रही है या नहीं, ठीक है। तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, अगर मैच कर जाएगी वैल्यू तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है या नहीं, तो कंसोल डॉट लॉग में हम रिजल्ट को प्रिंट करा देते हैं, ठीक। अब लेआउट को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर फिर से जो है हम एक इमेज को सेलेक्ट करते हैं और इसको सबमिट करते हैं, देखिए ट्रू आ रहा है, यानी कि एक जो एक्सटेंशन है वो प्रेजेंट है अपने लेआउट में, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कोई MP3 फाइल जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक, अब इसको सबमिट करेंगे तो ये देखिए फॉल्स आ रहा, क्यों, क्योंकि एरे में इस नाम की कोई भी स्ट्रिंग मौजूद ही नहीं थी। तो इंक्लूड फंक्शन का काम यही होता है कि एक स्ट्रिंग या एक वेरिएबल को या एक वैल्यू को मैच कराना है कि क्या वो एरे में प्रेजेंट है या नहीं, अगर है तो ट्रू वरना फॉल्स, ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर रिजल्ट फॉल्स आता है, ठीक है, एक्सटेंशन नहीं होता है मैच, तो क्या करें, यहाँ पे एक अलर्ट दे दो, अलर्ट में लिख दो सेलेक्टेड फाइल इज नॉट एन इमेज, इस तरीके से आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब हम इसके बाद यहाँ पर रिटर्न कर देंगे क्या, फॉल्स, ठीक है, यानी कि डेटा को सबमिट नहीं करना, अगर एक्सटेंशन मैच नहीं कर रहा है, इमेज नहीं है वो,
तो डेटा को सबमिट नहीं करो, रिटर्न कर दो फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं फिर से MP3 फाइल सेलेक्ट किया, अब देखिए यहाँ पे एक अलर्ट आया, ठीक है, लेकिन क्या फॉर्म सबमिट हुआ? नहीं हुआ, ठीक है, पेज रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं हुआ क्योंकि फॉर्म सबमिट होने ही नहीं दिया गया। अब मान लेते हैं कोई और ऐसे ही रैंडम फाइल डेस्कटॉप से या कहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे ही कोई शॉर्टकट ही सेलेक्ट कर लेते हैं नोटपैड प्लस प्लस का, ठीक, इसको सेलेक्ट किया, देखिए ये भी इमेज फाइल नहीं है। देखिए अभी क्या है कि डॉट की जो पोजीशन आ रही थी हम एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे थे पॉस ऑफ डॉट में, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कट करके डायरेक्टली अगर सब स्ट्रिंग में लिख दें, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज़ करो। यहाँ पे क्या होगा कि एक वेरिएबल को सेव कर लेंगे हम, ठीक, वो भी रिटर्न करता था इंटीजर, ठीक है, ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट था ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता था, इंडेक्स रिटर्न करता था, ठीक है, उसको स्टोर करते थे, तो यहाँ पे स्टोर करने के बजाय डायरेक्टली हम पास कर देते हैं सब स्ट्रिंग में, ठीक है, तो ये भी सेम एज इट इज़ काम करेगा। इसको चेक करने के लिए हम फिर से अपने लेआउट पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे फिर से एक इमेज को सेलेक्ट करेंगे, तो फॉर्म सबमिट होगा अगर तो URL पे चेंजेस आएंगे, ठीक है, अगर सबमिट नहीं होगा तो URL पे चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसका मतलब फॉर्म सबमिट हो गया क्योंकि URL चेंज हुआ, ठीक। अब इनवैलिड फाइल को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो URL जो प्रीवियस था वो ही रह जाएगा। ये देखिए इसमें अलर्ट आया, ओके किया, URL चेंज नहीं हुआ। अब हम कहते हैं कि अगर रिजल्ट ट्रू आए तो, हम कहते हैं कि अगर इमेज ही है फाइल है, आपने जो भी फाइल सेलेक्ट की है वो इमेज ही है तो क्या हो, हम कहते हैं अगर वो हो, ठीक है, अगर फॉल्स नहीं हो तो एक काम करो एल्स में जाओ और उसका साइज चेक करना है अब हमें, ठीक है, क्या इमेज 3 MB से बड़ी तो नहीं है। अब यहाँ पे हम इफ लगाएंगे, इफ अगर img.files ब्रैकेट में लिखेंगे 0, ठीक है, इंडेक्स दिया है यहाँ पर हमने फर्स्ट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए इंडेक्स दिया है, इसको भी सही से एक्सप्लेन करते हैं, डॉट साइज अगर उसका जो साइज है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल्स का इस्तेमाल क्यों किया हमने, देखिए हो सकता है कि जब हम इमेज सेलेक्ट करें, जैसे यहाँ पे अगर हम इमेज सेलेक्ट करें तो हो सकता है हम मल्टीपल इमेजेस को भी सेलेक्ट करने के लिए क्रिएट करते होंगे फॉर्म, तो ठीक है हमने कहा कि सिर्फ उसी इमेज को सेलेक्ट करना जो सबसे पहली होगी, जीरो पोजिशन का मतलब सबसे पहली, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, तो जीरोथ वाली इमेज को सेलेक्ट करो और उसका साइज निकालो, तो साइज यहाँ पर रिटर्न किया जाता है बाइट्स में, ठीक है, तो बाइट्स को अब हम KB में कन्वर्ट करेंगे, तो image.files0.size साइज निकालो उसको, ठीक है, KB में कन्वर्ट करेंगे। अब वैसे तो हमें कन्वर्ट करना है MB में, तो इसको पहले 1024 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये KB में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें अगर हम 1024 को आपस में दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद डायरेक्टली डिवाइड करेंगे साइज से, ठीक है, तो वो बाइट्स कन्वर्ट हो जाएगा MB में। तो अगर वो बाइट ग्रेटर देन हुआ या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, तो यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं परफॉर्म सम ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर 3 MB से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वगैरह अलर्ट वगैरह हम चीज़ें दिखाएंगे, तो उसके अलावा भी पहले देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा तो वो आना चाहिए असल में डिवाइड करने पे फ्लोट में, तो डायरेक्टली फ्लोट में तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे इंटीजर में जो रिजल्ट आएगा, ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्स फ्लोट, यानी कि फ्लोट में कन्वर्ट कर दो किसको, इस डेटा को, ठीक है। तो फ्लोट पार्स फ्लोट एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन या उस मेथड के अंदर हम इस सारी चीज़ों को लिख देंगे img.files0.size/1024×1024, ठीक है। तो ब्रैकेट्स थोड़ा सा केयरफुली लगाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे कमेंट की जगह पे हमें लिख देते हैं अलर्ट, यानी कि अगर 3 MB से ज़्यादा हो तो यहाँ पर हम अलर्ट डिस्प्ले कर देंगे कि द इमेज साइज शुड बी लेस देन 3 MB, ठीक है। अभी यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स यानी कि अगर ऐसा हो, अगर इस तरह की एरर आए कि 3 MB से ज़्यादा की फाइल साइज हो तो डेटा सबमिट मत होने दो, फॉर्म को सबमिट मत होने देना। अब यहाँ पे काम करते हैं, फिर से सबमिट करते हैं, तो ये देखिए नो इमेज इज सेलेक्टेड, पहला वैलिडेशन काम कर रहा है, बाकी उसके बाद कुछ उल्टी सीधी फाइल जैसे मान लेते हैं कोई और एक्सटेंशन की फाइल हम सेलेक्ट कर लेंगे अगर, ठीक है, ये CSS फाइल है, इसको सेलेक्ट किया, तो ये देखिए इमेज सेलेक्टेड फाइल इज़ नॉट एन इमेज, ठीक। अब चूज फाइल, अब मान लेते हैं कोई इमेज ऐसी जिसका साइज ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए ये क्या करेंगे, इसको सबमिट करेंगे तो द इमेज फाइल इज ग्रेटर देन, ठीक है, 3 MB, तो वो 3 MB से ज़्यादा की फाइल थी इस वजह से। अब मान लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी MB की फाइल है, तो हम अगर इस चीज़ को चाहे तो अलर्ट में प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें बस
डबल कोट्स के बाद एक प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा, स्पेस, जो हमें प्रिंट कराना है बस इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख देते हैं फुल स्टॉप लगा के फाइल साइज या करंट फाइल साइज। ठीक, इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे इस चीज़ को हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमने फाइल का साइज एक्सट्रैक्ट किया था फ्लोट के फॉर्म में, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स थोड़ा ध्यान से लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अक्सर चांसेस होते हैं कि एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाने की वजह से कहीं ना कहीं प्रोग्राम में एरर आ जाती है, तो ब्रैकेट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। तो अब अपने पेज को रिफ्रेश करने के बाद चीज़ें जब चेक करेंगे हम, तो ये देखिए यहाँ पे फिर से हमने एक इमेज को सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये देखिए इसका जो साइज़ है वो एमबी में प्रिंट होकर आ रहा है। 15 पॉइंट समथिंग इसकी साइज़ है, तो 15 एमबी पॉइंट समथिंग इसका साइज़ है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि रिटर्न ट्रू कब होगा, तो फंक्शन के एकदम एंड में हम लिखेंगे रिटर्न ट्रू, यानी कि अगर ऊपर आई कोई भी दिक्कत नहीं आती है, तो कोई भी स्टेटमेंट की वजह से रिटर्न फॉल्स नहीं होता है, तो लास्ट में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जैसे एक बार मान लेते हैं कि हमने इमेज सेलेक्ट की, यानी कि इमेज की जो वैल्यू है वो एम्प्टी नहीं है, तो एल्स वाले में फॉल्स होने से रहा। ठीक, इमेज एम्प्टी नहीं है प्लस उसका एक्सटेंशन भी मैच कर रहा है, यानी कि रिजल्ट फॉल्स भी नहीं आया। ठीक है, तो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि क्या जो साइज़ है क्या वो 3 MB से लेस है या नहीं। अब मान लेते हैं कि ये भी इफ़ की जो कंडीशन थी, ठीक है, यानी कि साइज़ वाली, वो भी फॉल्स आती है। ठीक है, यानी कि इमेज की साइज़ 3 MB से छोटी ही है, तो क्या होगा, किसी भी जगह पर रिटर्न फॉल्स नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो एट लास्ट में क्या होगा कि रिटर्न ट्रू हो जाएगा वो। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमने तीन वैलिडेशंस को लगाया, यानी कि इमेज आपने सेलेक्ट की है या नहीं की है, अगर सेलेक्ट की है तो वो पक्का वो इमेज फाइल ही है या नहीं है, और उसकी साइज़ हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो 3 MB से ज़्यादा या कम है कि नहीं।